हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका उषा किचन रेसिपी में। मैं आज आपको सिखाने जा रही हूँ नमकीन दलिया अलग तरीके से। मैंने लिया है 1 कप दलिया, पहले से भिगो कर रख रखा है मैंने। 1 मुट्ठी दाल भिगोई है मैंने, ये देखिए आप, 1 हरे मूंग की दाल भिगोई है 1 मुट्ठी मैंने, आधा घंटे पहले भिगोई थी। ये भीग कर तैयार हो गई है, देखिए कितने अच्छे से भीग कर ये तैयार हुई है। मैंने 1 प्याज लिया है बारीक कटा हुआ, 1 हरी मिर्ची ली है बारीक कटी हुई, 1 टमाटर लिया है बारीक कटा हुआ। ये बनाते हैं दलिया। मैंने लिया है देसी घी, मैंने 3 चम्मच देसी घी डाला है। घी गर्म हो गया है, अब डाल देंगे इसमें जीरा, स्वाद के लिए थोड़ा सा सरसों भी डाल देंगे इसमें। मैंने लिए हैं 5 से 7 कड़ी पत्ते, 4 से 5 कड़ी लहसुन की, और छोटा सा अदरक का टुकड़ा, तो ये पेस्ट किया हुआ है लहसुन और अदरक का, ये पेस्ट डाल देंगे। अब इसमें ऐड कर देंगे हरी मिर्ची, अब इसमें प्याज ऐड कर देंगे, अब इसमें ऐड कर देंगे हल्दी पाउडर, स्वाद अनुसार नमक, 1/2 चम्मच मिर्ची पाउडर। अब इसमें दलिया ऐड कर देंगे, अब इसमें जो दाल भिगोई थी वो ऐड कर देंगे, अब इसमें पानी ऐड कर देंगे, अब इसमें टमाटर ऐड कर देंगे, टमाटर लास्ट में ऐड करेंगे, टमाटर जल्दी पकता है इसलिए मैंने लास्ट में टमाटर ऐड किया है। अब कुकर को ढक्कन लगाकर 3 सीटी लगा लेते हैं। प्रेशर कुकर में 3 सीटी लगा दी है, देखिए कितना अच्छा दलिया बना है। ये दलिया बनकर तैयार हो गया है, दलिया है बहुत ही हेल्दी दलिया है। एक बार इस तरह आप ट्राई करें घर पर, बच्चों को इस तरह बनाकर खिलाओगे तो बच्चे खुशी से खाएंगे। ये दलिया नमकीन दलिया है, बहुत ही अच्छा दलिया है, दिखने में कितना सुंदर लग रहा है, देखिए खाने में कितना ज़्यादा टेस्टी होगा, ये बहुत अच्छा टेस्टी खाने में स्वादिष्ट है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।